तो ये साइमन जा रहा है यहाँ से। मेरी हंसी बुरी है, मैं इंसान बहुत बढ़िया हूँ। किसी की बुरी नजर लगी और चाय दो बार गिर चुकी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। और आज हम निकल रहे हैं अलग अनोखी यात्रा पे। ये हमारे अभी तक के सारे व्लॉग्स में से सबसे नई चीज होने वाली है। तो हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी जो कि आप देख रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ है शिवान भाई जिनका आपने लास्ट वीडियो में देखा था। काफी टाइम के बाद हम लोग साथ में घूमने जा रहे हैं, और साथ में हमारे भैया भी हैं, दद्दा भी हैं, जो कि ड्राइव करते हुए बात नहीं कर रहे हैं। हम खाते हुए बात नहीं करते हैं और भैया ड्राइव करते हुए बात नहीं करते हैं। लेट्स गो इन ऑल्टो। तो हमें जो लोकेशन बताई है तो हम वहाँ पे मुड़ गए हैं। एक कोई रेस्टोरेंट है वहाँ से दो तीन मिनट सुन सकते हैं कि हाँ हाँ मुड़ गए हम, तो बस जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि है सुरभि दुग्ध फार्म, और चलिए आपको मिलाते हैं वहां के सदस्यों से, वहां के पशुओं और प्राणियों से। काफ़ी सुंदर सुंदर यहां पे गायें हैं, और अच्छा लग रहा है। देखिए शिवान को पसंद भी आ गई है गाय। शिवान कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, छोटा सा है, क्या कैसे लग रही है? हम अभी हैं, जैसे कि आपने ओवरव्यू भी देख लिया होगा फार्म का, सुरभि दुग्ध फार्म में। और ये है नमूना नामक एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है बाजपुर से थोड़ा पहले। और अब मिलते हैं यहाँ के ओनर दीपक शर्मा जी से, और उनसे जानते हैं कि उन्हें इस फार्म का, डेयरी फार्म का आइडिया कैसे आया। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरभि दुग्ध फार्म में। ये फार्म जैसे आप देख ही रहे हैं कि गाय का फार्म है सुरभि दुग्ध फार्म नाम से, जिसमें गाय का दूध प्रोसेस होता है, पर बनता है मतलब निकलता है, आगे सप्लाई होता है। दूसरी चीज़, इसका आइडिया अगर आप बात करें तो इसका आइडिया अभी बीच में लॉकडाउन पड़ा, तो लॉकडाउन में सब घर में बैठे थे। अब हालांकि मेरे फादर घर में बैठने वाले आदमी में से नहीं है, घर में उनको कैद महसूस हुआ तो वो यहाँ फार्म में आते थे, अपना करा तो लगा उनको कि कुछ करना चाहिए, हमें भी था कि यहाँ डेयरी खोलें, तो उस टाइम पर आइडिया आया। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए डेयरी का काम कच्चा है लेकिन मार्केट ईजिली अवेलेबल है। आपका काम अगर अच्छा है, आप अगर इसमें बिल्कुल प्योर चीज़ दे रहे हैं जो लोगों को पसंद है, तो आपको मार्केट की भी ज़रूरत नहीं। आपने मार्केट फ्री होकर काम करना है, तो आपने प्रोडक्शन में ध्यान देना है और मार्केट आपको आराम से मिल ही जाना है, तो डेयरी का काम ऐसा है। तो आपको इस काम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? क्यों आई एम श्योर काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे, और कैसे आप उन्हें ओवरकम करते हैं? देखिए चैलेंज की बात करेंगे तो पहली चीज़ मैं मिल्किंग से स्टार्ट करूँगा। शुरुआत में हमने 2 बजे भी मिल्किंग करी, 2 बजे आदमी उठने के लिए बड़ा दिक्कत करता है। 2 बजे में मिल्किंग करनी है, गाय को पहले जितना गोबर है वो एक किनारे करना है, फिर साफ़ करना है, फिर मिल्किंग करनी है। अब उस टाइम पे मान लीजिए लाइट चली गई, तो पहला चैलेंज वो है, आपके पास बैकअप का सुविधा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मौसम ख़राब है, टेढ़ी मेरी बारिश आ रही है, तो आपके ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आप उसको मिल्किंग आराम से कर सकें, दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा चैलेंज, मिल्किंग करते करते मान लीजिए कोई गाय बीमार है, आपको पता चलता है कि इसमें कोई दिक्कत है, तो आपने उसको स्टैंड उसी समय इलाज देना है, तीसरा चैलेंज ये है। चौथा चैलेंज, यहाँ से आपकी गाड़ी सप्लाई लेके जहाँ आपके कस्टमर वहाँ जाती है, जल्दी पहुँचे तो कुछ कस्टमर कहते हैं कि भैया बहुत जल्दी आ जाते हो, अंधेरे में आ जाते हो, तो देर में आया करो। बाँटते बाँटते आगे पहुँचते हैं 11-12 बज जाते हैं, तो कस्टमर कहते हैं कि भैया आप दिन में आ रहे हो, सुबह जल्दी आ जाया करो। तो चैलेंजेस तो हर जगह हैं, 24/7 चैलेंज है, मतलब चैलेंज आपके ख़त्म नहीं होंगे। आप डेली कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, 5 साल 10 साल हो जाएंगे तब भी आप सीखेंगे ही सीखेंगे, तो चैलेंज इसमें पर डे चैलेंज है। तो आपकी डेयरी का जो दूध है वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है हल्द्वानी में? हल्द्वानी में देखिए कमलों का जैसे हमने पाथ बना रखा कि यहाँ जैसे जैसे हमारे कस्टमर बने उस हिसाब से हमने रास्ता बनाया, कमलों का जैसे होते हुए सुभाष नगर, पंचक्की, मुखानी, आपका लाल डाट, आर के टेंट हाउस, गज गोदाम, ये पूरे इलाका कवर होते हुए 30 मील तक हमारा दूध जाता है। दूध भेजने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक छोटे हाथी के ऊपर टैंक बना रखा है और उसमें ATM वेंडिंग मशीन लगा रखी है। आपके वहाँ आएगा, घर के पास आएगा, उसमें बंदा मतलब जितना आपको चाहिए उतना एंटर करेगा और उतने निकल के दूध आएगा, जो वो भी एंटर रहता है। आप अपना बर्तन रखिए, कोई हम पॉलीथीन में नहीं दे रहे हैं, पैकिंग नहीं कर रहे हैं, तो एज अ एनवायरनमेंट सेफ्टी भी है, उसमें कोई पॉलीथीन का वो नहीं है, तो अनटच्ड पूरे हाइजेनिक, 0% कुछ भी एडिट नहीं रहता है, ना पानी रहता है, ना कोई केमिकल, ना कुछ, ना प्रिजर्वेटिव इवन देन,
24 आवर्स से पहले जो दूध होता है वो आपके घर में पहुंच जाता है। तो अभी मैंने सुना कि इन्होंने बतख भी पाली हुई है और काफी इंटरेस्टिंग रीजन है कि इन्होंने बतख क्यों पाली है, तो जानती हूँ मैं दीपक जी से कि इन्होंने बतख क्यों पाली है। देखिए बतख, जब मुर्गी और बतख ज़्यादा लोग पालते हैं, यहाँ बटेर भी पालते हैं, तो बतख एक तो दिखने में अच्छा लगता है कि सफेद है, बहुत अच्छा दिखता है। दूसरी चीज़ क्या है, अपने साफ सफाई का बहुत ध्यान देता है। बतख की तीन मेन खासियत है। पहली खासियत कि बतख कुत्ते से अच्छा चौकीदार है। कुत्ते एक बार के लिए सो जाएगा रात को, लेकिन अगर कोई जानवर, बिल्ली, सियार, कोई भी अगर आदमी भी आएगा तो बतख हल्ला कर देंगे। तो पहली चीज़ तो बतख की चौकीदारी है। दूसरी चीज़, जो आपका फीड वेस्ट हो रहा है, कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहाँ गिर रहा है, मक्खी है, उड़नी है, मर भी रही है, कीड़े मकौड़े हैं, जैसे बिच्छी है या कनखजूर है, तो ये बतख बड़े चाव से खाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, बतख एक तरह से, अगर मान लीजिए कोई बच्चे भी आ रहे हैं या हम ही हैं, तो एक तरह से मन भी लगे रहता है कि हाँ भाई थोड़ा देखने के लिए और कुछ है। बाकी अगर हम इतने बड़े गाय पाल सकते हैं तो ये बतख मुर्गी ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो आराम से खुद ही पल जाएंगे, हमने कुछ करना तो उनको है नहीं। दीपक जी ने हमारे सभी सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन उनके पापा भी इधर पे मौजूद हैं, तो उनसे जानते कि उनको ये आइडिया, ये डेयरी खोलने का कैसे उनको आइडिया सूझा। तो अंकल नमस्ते। मेरे मकसद दो थे इसमें, एक तो गौ सेवा, दूसरा जीवन यापन। मैं जब सुबह उठता हूँ तो गाय के पास ही जाता हूँ, सीधे गाय के पास आता हूँ, गाय को मलासता हूँ, उनके बच्चों से प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी गौ सेवा भी बरकरार रहती है और जीवन यापन भी मेरा सही चलता है। तो आपको आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिला होगा अंकल के थ्रू, गौ सेवा और उसके साथ साथ जीवन यापन। अंकल थोड़े मृदुभाषी हैं, तो उन दो शब्दों में ही उन्होंने पूरा मैसेज आप लोगों को दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरी बकरी खो गई है, वो बहुत सुंदर सी बकरी है, मुझे उसके साथ खेलना है, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ खेलने। पता नहीं कहाँ है वो, उधर है छुपी हुई। बकरी मिली नहीं मिली, लेकिन कुत्ता मिल गया है, बकरी की सेवा कर रहा है कुत्ता। तो बकरी ने बकरी पकड़ ली है, बकरी ने बकरी पकड़ ली है। कुत्ता कितना पजेसिव हो गया, देखो कुत्ता और ये बकरी कितनी सुंदर है। कितना अच्छा लगता है इनके साथ। अब हम जा रहे हैं बतखों के पास। बतखों की कहानी आपने सुन ली होगी कि क्यों पाली है उन्होंने, और मैं जा रही हूँ ये रिस्क लेने क्योंकि बतखें बड़ी खूंखार होती है मैंने सुना है, तो हो सकता है वो मुझे एक ट्रेटर समझ के मुझ पर अटैक कर दे। तो मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरे जो पतिदेव हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मैं ये रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मैं वापस ही ना आऊँ। तो मैं जा रही हूँ इस टेरिटरी में। अरे अरे, देख रहे हैं आप किस तरह से ये लोग, अरे अरे, वो भाग रही हैं उधर को, वो भाग रही उधर को। आई थिंक वो दीपक जी को बुला रही हैं और वो बिल्कुल डूब चुकी हैं, पकड़ने लायक नहीं रही हैं। तो ये देखिए किस तरह से उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। और पूरी चौकीदारी चल रही है बतखों की, और यहाँ हल्ला करके उन्हें बता दिया दीपक जी को कि यहाँ कोई चोर आ गया है, उनको ले जाना चाह रहा है। सारी बतखों ने पूरा पूरा संपूर्ण विद्रोह कर दिया है। भाग जाओ यहाँ से, गो साइमन गो चल रहा है इधर पे। तो ये साइमन जा रहा है यहाँ से, इनको लेट देम देयर बी पीस, लेट देयर बी लाइट। तो हम जा रहे हैं। तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है बाबू भैया। तो बाबू भैया से मिलाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, मेरी हंसी बुरी है, मैं इंसान बहुत बढ़िया हूँ। सीधी बात है, हमारे अंदर जो बात है, डॉक्टर को इतनी नॉलेज नहीं है जो हम बताते हैं उन्हें। हम बताते हैं डॉक्टर साहब को ये तकलीफ है, इलाज होना है। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो बाबू भैया हैं वो गाय की माता, जैसे हमें कहते हैं गाय माता होती है, वैसे ये गाय के शायद पिता हैं, क्योंकि जो जानवर कुछ नहीं बोल पाता है उनका भी ख्याल रखते हैं। और बाबू भैया की स्माइल बहुत ही ग्रेट है। एक और इंटरेस्टिंग इंसान हैं जो सबकी सेवा करते हैं। नमस्कार सूरज तिवाड़ी जी। नमस्कार सर। सर मैं यहाँ पे डेयरी पे खाना बनाने वाला हूँ, तो मैं सबको टाइम से खाना खिलाता हूँ, टाइम से चाय देता हूँ, क्योंकि टाइम से काम पे लग जाए अपने, जो भी शिकायत है तो मुझे शिकायत करें कि कोई दिक्कत है इनको खाने पे या टाइम से नहीं मिल रहा ये चीज़ें, ये मेरे से शिकायत करें। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, वहाँ जो है वो चोरी शुरू हो गई है, हमारी बकरी की, बकरी चोर रही है और वो कैमरे में कैद हो गई है।
बकरी ने सारा चारा खा दिया है। तो ये देखिए, लोग कहते हैं कि आज़ादी कहाँ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए बकरी की पूरी आज़ादी चल रही है, उसने पूरा का पूरा जो उसको मन कर रहा है वो खा लिया है और किसी को भनक नहीं रही है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे में है। हमारे फार्म में मिल्किंग इस मशीन से होती है जिसको बोलते हैं मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन का काम होता है एक बार में 5 गाय का एक साथ ही मिल्क निकाल सकती है। इसका काम वैक्यूम क्रिएट करने का होता है कि वैक्यूम क्रिएट करके इस पाइप में डालती है। ये पाइप पूरे शेड में फैला हुआ है, अब आगे को आएंगे आगे का आपको दिखाता हूँ। शेड में पाइप पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं कर रखा है, लेकिन आगे जहाँ गाय बधी हुई है वहाँ पर इसमें नोजल लगा रखे हैं हर 11 फीट पर। 11 फीट में नोजल लगाने के बाद ये बकेट हर एक नोजल में फिट हो जाती है। ऐसी 5 बकेट है अपने पास जो फिट हो जाती है। ये पार्ट रहता है पल्सोलेटर, जो इसका हार्ट है, जो इसमें पल्स पैदा करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। और जो ये पाइप है ये गाय के मिल्किंग पार्ट में लग जाता है। और लोगों के अंदर गलतफहमी है कि इससे उसके अडर में दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट रहता है और हल्के से सक्शन क्रिएट करता है और गाय को बिना किसी दर्द के आराम से इस बकेट में दूध इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि जो मिल्क अनटच रहता है, किसी तरह का टच नहीं रहता है। हाँ, दूध निकालने से पहले हम उसको ढंग से वॉश करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद जो दूध जाता है डोलू में इकट्ठा करके हमारी BMC मशीन में चले जाता है, जो पूरी तरह से अनटच रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया में पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जो आप कह रहे थे कि BMC क्या होता है, देख लीजिए यही BMC है। इसको कहते हैं बल्क मिल्क कूलर। तो ये एक ऐसी यूनिट है जो दूध को ठंडा रखती है। आप दूध को दो तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो आप केमिकल मिलाइए या ठंडा करिए। तो हमारा तो ऐसा नहीं कि 5-6 दिन तक रखना है, हमने आज निकालना है, इकट्ठा करना है, अगले दिन दे देना है। 24 घंटे से पहले आपको दूध मिल जाता है। तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। ये AC का आउटडोर यूनिट लगा हुआ है जो कि दूध को ठंडा करता है। और वहाँ ऑटोमेटिक मशीन नीचे लगी है जो 4 डिग्री सेल्सियस होती है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और 6 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाती है। तो दूध वाले में सबसे बड़ी दिक्कत आती है सफाई की, क्योंकि आपने एक चीज़ की भी सफाई नहीं की है तो आपका दूध ख़राब हो जाना है। सफाई ठंडे पानी से अच्छा गर्म पानी से अच्छा होती है। गर्म पानी से आप सफाई करेंगे तो बहुत बड़ी सफाई होती है, इसलिए हमने ये 16 गीजर भी लगा रखा है ताकि हमें हमेशा गर्म पानी हमेशा अवेलेबल रहे। का प्यारा जिमी, जिमी जिमी बाबू है, वो काट भी सकता है, आपको काट सकता है, मुझे नहीं काटेगा। तो मैंने गॉगल्स लगाए हुए हैं, फ़नी लग रही होंगी, आई नो, वो मेरे स्पैक्स एक्चुअली कार में छूट गए थे तो मेरी आँखों में पेन हो रहा है, तो इसलिए मैंने लगाया, तो मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है इनको लगा के। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैं चाय पिए बिना आई थी, तो अब यहाँ पे मैंने चाय कर दी, तो चाय आ चुकी है, लेकिन किसी की बुरी नज़र लगी और चाय 2 बार गिर चुकी है और बिल्कुल एकदम सटीक मात्रा में गिरी है 2 बार। और अब हम चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और बाकी चर्चाएं चाय पे करते हैं, तो सबको बुलाते हैं हम। आइए फिर सब चाय पी लीजिए, सबके सब मेंथा लगा रहे हैं, लग गया, वाह बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे सर में दर्द भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो सेंटर फ्रेश नहीं होता वो ब्लू वाला, वैसी स्मेल है इसकी, काफी अच्छा लग रहा है। जान कैसी हो रही है चाय, भूख लग रही है, पिज्जा ऑर्डर करूं, गाय ने भी फ्रेश पिज्जा दिया। मेरे बिना इनकी मस्ती पूरी नहीं हो सकती है, जैसे मैं सिवान के बिना अधूरा हूँ वैसे सिवान मेरे बिना अधूरा है। पीछे वाली पार्टी, अरे हो गया छोड़ो, ये पीछे वाली पार्टी कर लो, ये हमारी टीम के संवाददाता हूँ, यहाँ की देखो पूरा कैमरा लेके माइक लेके चलती हूँ। संवाददाता को इतनी ज्यादा गर्मी लग गई है या आंखों में कुछ घुस चुका है संवाददाता के, ये संवाददाता ने चश्मा पहन लिया है। अरे बापरे, आई मेकअप देख लीजिए मेरा, आज कैसी लग रही हूँ मैं, आप बताइएगा जरूर कमेंट्स। आज हम इधर आके गाय का शुद्ध दूध का चाय पी रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से वहाँ जाने तक चाय पूरी तरह गिर जाएगी। भैया की चाय नहीं गिरी हुई है, ये अपनी चाय बचा रहे हैं क्योंकि हम सब ने चाय गिरा दी है। फ्रेंड्स चाय पी लो, और ये रहा मेरा माइक जो मेरे साथ हमेशा चलता है, और मैं चाय का एक सिप लेती हूँ। वाह ताज, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, एक नया एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। और ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने के कारण हम आपको इसको
थोड़े पार्ट्स में दिखाएंगे, थोड़े पार्ट्स में क्या मतलब दो पार्ट्स में दिखाएंगे, तो और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें और भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा, वो आपको तभी पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।